हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। अब हम लोग एनयूटी 2.2 के आगे के सम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा करोगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके कॉमर्स के फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करिए, भले वो क्लास जा रहे या नहीं जा रहे हैं, ताकि वो सीख सके। अगर उनको नहीं आता होगा और आता रहेगा तो जाके वो भी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आ गए हमारे पास फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे मुझे आर फाइंड करना है। मतलब पहले आई फाइंड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो आर अपने आप मिल जाएगा। सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन एन्यूटी इमीजिएट एट ₹20,000 पर ईयर अमाउंट टू 2,60,000। मतलब एन्यूटी इमीजिएट मतलब नॉर्मल सम ही है। मतलब सी मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 20,000, ए मेरे लिए क्या हो गया यहाँ पे 2,60,000, और उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर एन कितना हो गया है 3 years। ओके, सो देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे आई निकालना है। ओके, सो देखो ए डेट इज 2,60,000 इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई 1+i रेस टू एन कितना है 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। ओके, अब देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, पता है क्या, ये चार जीरो कैंसल, 2 1s are 2 13s are, तो यहां क्या बचा 13 1 अपॉन आई। इधर देखो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, विच मीन्स a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, 3a square b मतलब क्या 3i प्लस 3ab square मतलब 3i square minus 1, सॉरी प्लस b cube minus 1, तो minus 1 plus 1 कैंसल हो गया 1 upon i। यहां से देखिए क्या मैं i कॉमन निकाल सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 3i प्लस i square। ओके, i कैंसल हो गया, यहां पे ऑलरेडी मेरे पास क्या है 13। अब देखो इधर जीरो करता हूं, आई स्क्वायर प्लस 3i, 13 वहां जाके माइनस कर देगा, 3 माइनस 13 कितना हो जाएगा माइनस 10। फैक्टराइजेशन आ गया यहां पे, अब इसको मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10। ओके, अब इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा तो i का वैल्यू माइनस 5 मिल जाएगा और i का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। अब कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर मेरा जो i है वो नेगेटिव तो होने वाला है नहीं, तो सिंपली यहां पर जो मेरा i हो जाएगा मेरे लिए कितना हो जाएगा i मेरा विच इज 2। ओके, सो मेरा i का आंसर कितना हो गया 2, तो लो जो पूछ रहे थे वो मेरे लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मीन्स अगर वो 20,000 इन्वेस्ट करेगा सो 3 साल बाद वो 2,60,000 कब होगा, जब मेरे i का वैल्यू 2 होगा। अब आप मुझे बता सकते हो अगर i का वैल्यू 2 रहेगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, सही कि नहीं, तो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट में बताइए। बस मैं हिंट दे देता हूं, आई इक्वल्स टू आर अपॉन 100, ठीक है, आई इक्वल्स टू आर अपॉन 100। मैंने पहले ही बोला था कि मैं चाहता हूं कि बच्चे लोग मेरे साथ पूरा गुनतुन रहे लेक्चर में, ओके, मीन जुड़े हुए रहें, मिक्स रहें। तो इसके लिए आप मुझे बताइए आर का वैल्यू कितना आएगा, बस ये याद रख लीजिए कि ये निग्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज आई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, सो अब देखिए यहां पे अब जो हमारा अगला सम है, अगला सम क्या दिया है मेरे को, विच इज 10th question। अब 10th question में बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, अब नंबर ऑफ ईयर मुझे फाइंड करना है, तो चलिए अब नंबर ऑफ ईयर पे भी आ जाते हैं, इन भाई साहब को भी देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर विच एन एन्यूटी ऑफ 500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मैं क्या कर रहा हूं, 500 पे कर रहा हूं, सही कि नहीं, और जो एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा 1,655 इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय, यहां पे मेरा जो i है वो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 1+i रेस टू n, तो 1.1 रेस टू n, सही कि नहीं, 1.1 रेस टू n माइनस 1, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1,655, ये डिवाइड बाय कितना 5,000 हो जाएगा ना, पॉइंट ऊपर दे देगा और ये 5,000 यहां पर आकर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा मेरे लिए ये 1.1 रेस टू एन माइनस 1, ठीक है। सो देखिए यहां पर अब क्या हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल होकर यहां पे डेसिमल दे देंगे, सो 5 जीरो 0, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, माइनस 1 यहां पे आगे प्लस 1 हो जाएगा 1.1 रेस टू एन। सो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा 1.331 इज इक्वल्स टू 1.1 रेस टू एन।
अब ये 1.331 को क्या मैं 1.1:3 भी लिख सकता हूं? अब तुम बोलोगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा, यही तो बात है बेटा। इसमें आपको जितने नंबर ऑफ सम करोगे ना उतना आप लोग ये 1+i वाले सम सॉल्व करोगे, और इन लोग जो भी सम देते हैं ना वो इसी प्रकार से देते हैं कि आपको वो यूज्ड टू वाले नंबर ही देखते हैं, जो आप लोग ज्यादा बार देखे हो वही सारे नंबर दिखते हैं। और अगर फिर भी ना समझे तो इंडाइसेस का एक रूल होता है। इंडाइसेस का एक रूल क्या होता है पता है क्या? अगर यहां पे कोई भी नंबर है और उसके पावर में कुछ है मिसिंग है, और अगर मुझे यहां से निकालना है तो मुझे ना यहां पर भी बेस ना सेम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ गया था कि यहाँ पे जो 1.331 है वो 1.1 के पावर में ही आना चाहिए। सो अपन पहले 1.1 into 1.1 करेंगे, that is 1.21, और 1.21 को 1.1 से करेंगे, which is 1.331. So इसका मतलब क्या? 1.1:3 equals to 1.1:n. So indices का एक रूल होता है, a^m equals to a^n, a^m equals to a^n, m equal to n, which is n equals to 3. नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया यहां पे मेरे लिए? 3 हो चुका है। क्लियर? अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या बोला है? फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। वेल वेल वेल, हमारे आ चुके हैं भाई साहब अब एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू के लिए मैंने क्या बोला था, क्या चीज अलग होने वाला है यहां पे? फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू के लिए मैंने क्या बोला था, क्या फॉर्मूला हो जाता है ए का? C into 1+i/(i)(n-1) बस। ठीक है, बिकॉज एन्यूटी ड्यू मतलब क्या, जो ईयर के स्टार्टिंग में होता है, इसके लिए 1+i वहां पे ज्वाइंड हो जाता है। ओके, अभी उन्होंने बोला फाइंड द एन्यूटी ड्यू ऑफ ₹10,000। ठीक है, सो यहां पे C क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, 1+i, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% मीन 0.1/0.1 इंटू क्या हो जाएगा ये 1+0.1:2। नंबर ऑफ ईयर कितना है यहां पे? 3-1। ठीक है, सो ये एक्स का एक जीरो बढ़ा देगा और ये क्या हो जाएगा 1.1 × ये क्या हो जाएगा 1.1:3 मीन 1.331-1। सो देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 और यहां से एक जीरो चला जाएगा ना डेसिमल को हटाने के लिए। ओके, और इधर क्या बचेगा 0.331। ये तीन जीरो क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे। सो 11 × 331 विच इज 11 × 11 वन कैरी, 11 × 33 = 134, थ्री कैरी, 11 × 33 और 3 कितना होता है 36। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर वो 1000 रुपीज एन्युटी ड्यू से अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसका 3 साल के आखिर में कितना पैसा हो जाएगा, विच इज 3641 रुपीज। अगेन बोलता, अगर मेरा कभी कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए, आप लोग कैलकुलेट करके, बिकॉज हो सकता है, बिकॉज नंबर ही है, किसी का सगा नहीं है। देखो 11 × 11 = 1, 1 कैरी 11 = 33, 1 = 34, 3 कैरी = 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, मीन्स 3641 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले सम पे आ जाते हैं। अगले सम में क्या बोला है, अ पर्सन प्लान्स टू पुट ₹400 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। बिगनिंग ऑफ ईच ईयर मतलब अगेन हो गया एन्युटी ड्यू, इसका मतलब जो सी है वो मेरे लिए 400 हो जाएगा। फॉर टू ईयर मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर 2 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% मतलब क्या, 0.02 हो जाएगा। और फाइंड द अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ टू ईयर। तो एंड ऑफ टू ईयर में कितना अमाउंट एक्यूमुलेटेड होगा, मतलब यहां पर मुझे ए पूछा है, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। अभी इन्होंने बोला कि फाइंड करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखो अगेन यहां पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी थोड़ी कुछ अलग होने वाला है। फॉर्मूला क्या था नॉर्मल में, सी अपॉन आई ना, इधर क्या हो जाएगा 1+i ओके इक्वल्स टू इंटू 1 − 1+i/(-n) ओके 1+i/(-n) और यहां पर अब मुझे क्या दिया है, देखो मुझे बोला है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, तो मतलब ये मेरे लिए 600 हो जाएगा। 1+i मतलब क्या, 1+i मेरे लिए 1.08 हो जाएगा, गिवन में दिया, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं, 0.8। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा मेरे लिए, विच इज, अब ध्यान देना, ओके वेल वेल वेल, गलती कर दिया मैंने। अब आपको बताता हूं कि गलती मैंने क्या किया, गलती मैंने ये किया कि यहां पर आपको बताया नहीं,
सब में डायरेक्ट करने लग गया। अब मुझे तो समझ रहा मैं क्या कर रहा हूं, बट आपको तो बता दूं मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मैंने क्या बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर दो और नंबर ऑफ ईयर को मल्टीप्लाई बाय 4। सम राइट था, बट आपको बताया नहीं था ना, और आपसे साझा करना मेरा फर्ज बनता है। सो इधर पे क्या क्वार्टरली बोला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर को क्या मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो यहां पे कितना था, 1 ईयरली था, तो इसके वजह से 1 ईयरली को मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 4 ईयरली हो गया और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 32 था वो क्या हो गया, 8 हो गया। आप समझे कि वहां पे 1.08 क्यों दिख रहा है। अगेन सो 600 1 प्लस आई मतलब क्या, 1.08 डिवाइड बाय 0.08 1 माइनस 1.08 रेज टू माइनस 4। ओके सो ये क्या हो जाएगा, दो जीरो बढ़ा दो यहां पर, इनटू 1.08 डिवाइड बाय 8। ओके सो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, दैट इज 1 माइनस, इसको मैं क्या कर दूं, कितना वैल्यू दिया मुझे 0.735, उस जीरो का वैल्यू क्या ही है, भगाओ उसको। ठीक है, सो इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 8 1 8 होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, 8 7 56 बचा कितना, 4 48 5 40 मींस ये इतने लोग चले गए, कितना बचा, 20, बट 20 उसको हटा देगा ना, तो 108। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहां पे, 0. कितना हो जाएगा, 265 ना। Means, यहां पर मुझे क्या करना है, 75 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 0.265 करेंगे और जो भी आंसर मेरा आएगा वो आपका क्या होगा, हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा एन्यूटी ड्यू से। ठीक है, सब लोगों को समझा, कोई डाउट किसी को, ओके चलिए अब नेक्स्ट सम को शुरुआत करते हैं। ओके ओके बच्चों, 14 सम पे आते हैं, जो हमें क्या बोला, अगेन मुझे आगे नॉर्मल सम पे आगे लोग, बट यहाँ पे कुछ तो ट्रिक है, क्या बोला है, एन एन्यूटी इमीजिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर एट 12%। मतलब एक एन्यूटी इमीजिएट है, मतलब ऑर्डिनरी एन्यूटी है जिसका इंटरेस्ट कितना है 12%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी इज 10,000 और एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है 20,000, तो फाइंड द ईच एन्यूटी अमाउंट। तो मतलब यहाँ पे सी निकालना है, सो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/p -1/a इज इक्वल टू i/c। सो 1/p मतलब क्या, यहां पे लोग ने क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू कितना मेरे पास, 1/10,000 -1/a कितना हो गया मेरे लिए 20,000। ठीक है, इज इक्वल टू i का वैल्यू कितना है यहां पर 0.12 डिवाइड बाय c। ठीक है, सो देखो क्या मैं यहां पर एलसीएम कर दूं, तो नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 -1 हो जाएगा डिवाइड बाय 20,000। ठीक है, इक्वल्स टू 0.12 डिवाइड बाय सी, तो सी वन जा सी हो जाएगा, 20,000 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 12 into 200 डेट इज कितना हो जाएगा 2,400। मतलब मेरा यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,400 हो जाएगा। सिंपली कैलकुलेशन फास्ट रखिए, थोड़ा बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाते हैं हमारे अगले सम पे, विच इज हमारा 15 सम, जो हमें क्या दिया है, फाइंड एन एन्यूट फॉर एन एन्यूटी इमीजिएट, एक एन्यूटी इमीजिएट दिया है फॉर 3 ईयर। ठीक है, फाइंड करो एन्यूटी इमीजिएट फॉर 3 ईयर विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹24,000, वॉट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। अब बताइए यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दिया है और मुझे यहां पर क्या दिया है, आई दिया है और मुझे एन दिया है, सी का यहां पे जिक्र भी नहीं किया है। बार बार बोल रहा हूं कि सी कब बोलने का, कि सी वहां पर है जब वहां पे बोलेंगे कि एवरी ईयर में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसको हम लोग सी बोलेंगे। इन लोग ने बोला कि प्रेजेंट वैल्यू 24,000 है, आई मेरे लिए कितना है 10% और नंबर ऑफ ईयर कितना है 3। इट मीन्स हियर वी नीड टू यूज दैट अपने ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन था ना, विच इज ए इक्वल टू पी इंटू 1+i/n, वो वाला फॉर्मूला यहां पे अपने को क्या करना है, यूज करना है और मुझे आंसर यहां पर निकालना है। ठीक है, अब देखिए 16 सम में क्या बोला है, अ पर्सन सेट अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव अ ₹1,00,000 आफ्टर 10 ईयर, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली इन अ अकाउंट दैट पे हिम 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली बाय एनुअली दुनिया भर के एनुअली। ठीक है, इसको सिंपली क्या समझना है आपको कि ये हाफ ईयरली वाला सम है। ठीक है, बिकॉज सेमी एनुअली बाय एनुअली ये सब क्या है, सेमी एनुअली का मतलब ही क्या होता है, आधा होता है, सेम का मतलब ही क्या होता है, आधा।
सो मींस मतलब ये हाफ ईयरली वाला सम है, और हाफ ईयरली का हमको पता है क्या करना रहता है, इंटरेस्ट रेट को आधा कर दो और नंबर ऑफ ईयर को क्या कर दो, डबल कर दो। सो देखिए सिंपली वहां पर वही हमें सम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या लिखा है, पर्सन सेट अप अ सिंकिंग फंड ऑर्डर टू हैव अ रुपीज 1 लाख आफ्टर 10 ईयर, मतलब उसके पास कितना आना चाहिए, 1,10,000 बाद आना चाहिए। तो इसका मतलब उन लोग ने यहाँ पर मुझे क्या दिया है, ए दिया है, और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है, और सी फाइंड आउट करके मुझे जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर मुझे यहाँ पर निकालना है। सिंपल सादा क्वेश्चन है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो वहां पे C का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3703.7 मिलेगा। ओके, सिंपल सा सम है, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश को अच्छा रखे, इसको रीड कर देता है, आपको समझना पड़ेगा कि अभी इन्वेस्ट किया है, बाद में दिया है, सम टोटल बोला मतलब A दिया है, प्रेजेंट वैल्यू बोला तो सिंपल से पी दिया है, ईच ईयर भर रहे हैं तो सी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया तो आई दिया है, नंबर ऑफ ईयर दिया तो एन दिया है, हाफ ईयरली बोला तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्वार्टरली बोला डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, एन्यूटी इमीडिएट ऑर्डिनरी एन्यूटी बोला तो अपना नॉर्मल फॉर्मुला, एन्यूटी ड्यू या द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बोला तो अपना ये दूसरा फॉर्मुला विच इज सी इंटू 1+i/i वाला फॉर्मुला, बस। और रिलेशन फॉर्मूले याद रखने हैं, पूरा का पूरा एन्यूटी खत्म होता है, हंसी मजाक में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, बस हाँ फॉर्मूले याद रहने चाहिए और कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में आपको थरो होना पड़ेगा। ओके, सो देखिए इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट एंड एन्यूटी वाला चैप्टर खत्म होता है, इसी के साथ कॉमर्स के 2 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अब वो ओसी इको मैक्स कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड अपग्रेड।